दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं टच सिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 13.4 की। लास्ट क्लास में प्रॉपर हमने आपको प्रश्नावली 13.1 को हमने कंप्लीट किया था। सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी, उसे प्रॉपर आपको यानी सात प्रतिबंध केवल निकालना होता था, उसमें सारी कंडीशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है हम बात करेंगे प्रश्नावली 13.2, ये आपकी यानी कि दो घटनाओं के ऊपर होगा, यानी घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं उसके ऊपर बात होगी, या दो घटनाएं आपकी परस्पर अपवर्जी हैं या नहीं उनके ऊपर जितने भी कॉन्सर्न होंगे सब इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है, कुछ अलग नहीं होगा। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, जो आपको प्रश्नावली 13.1 में जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था वो अब हमेशा आपको माइंड में लेके चलना है। कहीं भी वो लग सकता, ऐसा नहीं कि आप एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं बस 13.1 के लिए वही यूज होगा, ऐसा बिल्कुल ना करिएगा, ठीक है। सारी चीजें बिल्कुल माइंड में रखिएगा, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो हम बात करेंगे क्या प्रश्नावली 13.2, तो इसे प्रॉपर आपको केवल दो कंडीशन पढ़नी, क्या जब दो घटनाएं आपकी परस्पर स्वतंत्र हो तब क्या कंडीशन बनती है, और जब दो घटनाएं आपकी परस्पर अपवर्ती हो तो कंडीशन क्या बनती है, उसके बिहाव पे यहां बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां मैं पॉइंट लिखूं क्या कि घटनाएं, जब घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र हो तो स्वतंत्र होंगे तो क्या कंडीशन बनेगा, याद रखिएगा, जो आप निकालते थे क्या पी ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज़ तो आपने देखी होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। जो हम निकालते थे क्या पी ए इंटरसेक्शन बी, तो वो किसके बराबर होता था, पी ए डॉट यानी कि मल्टीपल का साइन ये आप समझ सकते हैं इसको, डॉट पी बी, ठीक है। यानी क्या करने का मतलब यह है कि जब घटनाएं स्वतंत्र होंगी तो जो पी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जितना भी आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जितना आएगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो याद रखिएगा, क्या आपसे पूछा जाएगा कि आपको पी ए दिया जाएगा, पी बी दिया जाएगा, और आपको दिया जाएगा क्या पी ए इंटरसेक्शन बी दिया जाएगा, तो आपसे ये कहा जाएगा भैया कि घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं है। तो आपको दिमाग रखना है कि क्या एल एच एस बराबर आर एच एस आना चाहिए, तभी घटनाएं क्या होंगी स्वतंत्र होंगी, और एल एच एस बराबर आर एच एस नहीं आ रहा, इसका मतलब घटनाएं आपकी स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगी बात। दूसरा पॉइंट यहां पे क्या होगा, यानी कि ये स्वतंत्र लोग की बात थी, दूसरा पॉइंट आपके परस्पर अपवर्जी की होगा, घटनाएं आपके परस्पर अपवर्जी होंगी। याद रखिएगा, जो आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो कितना होगा, वो हमेशा फाई के बराबर होगा, यानी कि फाई का मतलब कह सकते हैं आप जीरो, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब दो घटनाएं आपकी परस्पर अपवर्जी हैं तो ए पी ए इंटरसेक्शन बी जो आपका होगा हमेशा वो जीरो के बराबर या फाई के बराबर होगा, तभी आप कह सकते हैं कि दो घटनाएं आपकी परस्पर अपवर्जी हैं। और जब दो घटनाएं आपकी परस्पर स्वतंत्र होंगी तो आप कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो भी घटनाएं आप लेंगे, आप ई और एफ घटनाएं ले रहे हैं तो आप ई इंटरसेक्शन एफ निकालिएगा तो क्या आएगा, पी ई इंटू पी एफ आएगा। आप ए बी ले रहे हैं तो वहां पे ए बी आएगा। तो ये आप चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चन करना है। तो हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन, याद रखिएगा, जब आपसे कहा जाएगा कि घटनाएं स्वतंत्र हैं तभी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में जब कुछ साफ साफ मेंशन होगा तभी आप ये वाला रिलेशन यूज कर पाएंगे, क्या जब घटनाएं साफ साफ दी जाएंगी कि ए और बी भैया स्वतंत्र हैं, तब आप ये दिमाग में अपना रिलेशन लाएंगे, अदरवाइज आप जबरदस्ती काम ना करिएगा, ठीक है। जहां लगने वाला होगा वहां साफ साफ आपको दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन आपका राइट है। यहाँ पे देखिएगा प्रश्नावली 13.2 का क्या लिखा हुआ है, यदि पी ए आपको दे रखा है 3/5, पी बी दे रखा है आपको 1/5, और यहाँ दे रखा क्या तथा, और ए और बी कैसी हैं स्वतंत्र घटनाएं। तो जैसे ही बोल दिया जाए क्या ए और बी कैसी हैं आपकी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो तुरंत सब दिमाग में आएगा क्या कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ सिंपल से क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है कितना, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाल देता हूँ मैं 3/5 है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कितना 3/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे आपको बी दे रखा है, बी कितना है यहाँ पे आपका 1/5 है, तो 1/5 हो जाएगा। तो ए तथा बी कैसी हैं आपकी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो याद रखिएगा क्या, जब घटना आपकी स्वतंत्र होती है तो रिलेशन क्या होता है, तो यहाँ आप लिखिएगा क्या घटना ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो आपको एक उसके बाद यहाँ रिलेशन लिखना है क्या ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, क्योंकि आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज़ हो जाएगा। और कैसे निकलेगा, पी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चा 3/5 है, 3/5 रखा हमने, और ए पी बी की वैल्यू कितनी है 1/5 है, तो 1/5 रखा, 3 का मल्टीप्लाई एक्स करेंगे 3 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप आंसर जो भी निकालें देख सकते हैं क्या हमेशा 1 के अंदर ही होगा, ठीक है, 1 से ऊपर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की, ठीक है। तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, एक्सरसाइज बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जितनी चीज़ें मैंने 1 से लेकर 3 तक बात करी सब आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। जो मैंने आपको 1 में बताया था वो सब चीज़ें, ऐसा नहीं कि यहाँ पे यूज नहीं होंगी, सब चीज़ें यूज होंगी A to Z, बात समझ रहे हैं, सब चीज़ें यूज होंगी, बस थोड़ा सा आपको मेरी बात को समझना है और सुनना है ढंग से,
चलिए दूसरा पॉइंट क्वेश्चन क्या बोला गया, यहाँ बोला गया 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छया बिना प्रतिस्थापित किए दो पत्ते निकाले गए हैं, दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता, यानी कि यहाँ बात बोली गई क्या हमको प्रोबेबिलिटी निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी हमको बतानी क्या कि हम 52 पत्तों की गड्डी में से हम दो पत्ते निकाल रहे हैं, ठीक है 52 पत्तों की गड्डी में से हमको दो पत्ते निकाले गए हैं और वो बताने दोनों पत्ते कैसे होने चाहिए, दोनों पत्ते आपके काले होने चाहिए, वो आपको बोला गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो इसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, आपको मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन भैया आप इसको कुछ समझ में ना आए तो जो क्वेश्चन दिया जाए जो निकालना हो तो वो लिखिए, यहाँ से क्या है दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता, आप ये पूरा लिख सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं, क्या दोनों पत्तों के प्रायिकता, ठीक ये हो जाएगा। आप देखिए थोड़ा समझिएगा, आपको पता है 52 जो पत्ते होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, क्या होता है एक रेड होता है, एक क्या होता है एक भैया ब्लैक होता है, रेड में आपके 26 होते हैं और ब्लैक में भी आपको 26 हो रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको 52 पत्तों में से दो पत्ते निकालने, वो दोनों पत्ते कैसे होने काले होने चाहिए, अब सीधा सीधा काले में से निकालेंगे तभी तो काला निकलेगा, तो काले की प्रोबेबिलिटी कितनी है देखो यहाँ पे, आपको टोटल कुल संभावना है आपको पता कितनी है, कुल संभावना भैया 52 है, हमको दो पत्ते निकालने हैं, पहले मेरे पास जो गड्डी होगी उसमें कितने पत्ते होंगे 52 पत्ते तो होंगे, उनमें से हमको दो पत्ते निकालने हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे 52 पत्ते में से हम लोग पहले एक पत्ता निकालेंगे, ठीक है। अब बोला गया जो पत्ता आप निकाल रहे हैं दोनों पत्ता कैसे होने चाहिए काले होने चाहिए, तो पहली बार जो हम पत्ता निकालेंगे वो काला होना चाहिए, तो काला कितने प्रकार से होता है, तो देखो काले 26 हैं, 26 में से ही निकालेंगे तब भी काला निकलेगा, यहाँ कितना आएगा 26/52, यानी कि 26 में से ही कोई पत्ता निकालेंगे तभी आपका काला निकल सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पत्ता निकाल ले रहे हैं टोटल, यहाँ आप क्या लिख रहे हैं यानी जहाँ पे अनुकूल स्थिति जो होती है वो हम ऊपर रखते हैं, यहाँ पे कुल संभावनाएं रखते हैं, मेरे पास कुल संभावनाएं कितनी है 52 है, क्योंकि मेरे पास 52 पत्तों की गड्डी है उसमें से हमको एक दो पत्ते निकालने हैं जो क्या होने चाहिए जो आपके ब्लैक होने चाहिए, तो ब्लैक के लिए अनुकूल स्थिति कितनी 26, तो हमने एक पत्ता निकाला। अब हम निकालेंगे क्या दूसरा पत्ता, दूसरा पता क्योंकि ये बोला गया बिना प्रतिस्थापित किए, यानी कि जो आपने निकाल लिया उसको आपको वापस वहाँ रखना नहीं, उसको अलग रख देना, ठीक है। तो मेरे पास 52 पत्ते थे, हमने एक निकाल लिया, तो मेरे पास गड्डी में कितने पत्ते बचे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर 51 बचे, ठीक है, क्योंकि जो हमने निकाला हो तो हम वो अलग रख देंगे, 51 बचे। अब 51 में से हमको निकालने क्या काला वाला निकालना है, तो आपको पता है कि हमने एक काला यहाँ से टोटल 26 होते हैं, एक काला हमने निकाला तो बचे कितने काले थे वहाँ पे, क्योंकि एक काला हमने निकाला बचे कितने 25 ही तो बचे, तो यहाँ कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। अब जैसे ही ये काटेंगे इतना 26 दुना ये दो बार में जाएगा, यहाँ पे एक ही रहेगा, 25 का मल्टीप्लाई एक से 25 हो जाएगा, 51 ये कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह चीज़ें आपको करनी है, तो उम्मीद करें मेरी बात आप बिल्कुल अच्छा समझ रहे होंगे, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, जो बात मैंने आपको बोल रहा हूँ या समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बहुत चीज़ें आसान है बच्चा, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी मैंने आपको स्टार्टिंग से जितनी चीज़ें बताई सब चीज़ आपको दिमाग में रखनी है तभी ये आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, अदरवाइज सब सूना सूना लगेगा आपको, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की, क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो बहुत आसान है, चीज़ें आप कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत है जो आपको नोट्स प्रॉपर मिलते हैं उसी में वो क्वेश्चन मेंशन है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप से पढ़ना है, अपने आप से सोल्यूशन निकालना, देन जब नहीं आएगा आपका तो आप उसमें चेकआउट करिएगा, तब भी आपको जैसे देखने के बाद समझ नहीं आता देन आप बिल्कुल मुझसे कॉन्टेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल समझाई जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत अच्छा है, कई बार एग्जाम में देखा गया, क्या लिखा है एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला जाता है, यानी कि हम एक सिक्का उछाल रहे हैं। अब आपको पता सिक्के में क्या होता है, दो पहलू होते हैं हेड या टेल, या तो सर एक सिक्का जब उठा लेंगे तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो उन्होंने बोला क्या एक हम अभिनत पासे को उछाला जाता है, मान लें कि ए घटना क्या है सिक्के पर चित्र प्रकट होना और बी घटना क्या है पासे पर तीन प्रकट होती है, को निरूपित करते हैं तो निरीक्षण कीजिए घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं है, ठीक है। स्वतंत्र होने के लिए क्या मैंने बताया था, हमने यही कहा था कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा वो हमेशा बराबर होगा क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा, तभी आप कह सकते हैं घटनाएं स्वतंत्र हैं अदरवाइज नहीं होंगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ निकालेंगे, पहले हम लोग ए अलग निकाल लेते हैं बी अलग निकाल लेते हैं, फिर देन हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, उसके बाद कहानी करेंगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात है ए घटना बी घटना निकालने के लिए हमको, क्योंकि ए और बी क्या होता है ये आपकी अनुकूल स्थिति होती है, हमको निकालना है क्या टोटल निकालना है, कुल संभावनाएं पता होनी चाहिए, कुल संभावना हम लोग कैसे निकालते थे सर सैंपल स्पेस से ही पता चलता था कुल संभावनाएं कितनी बन सकती हैं। तो क्या बोला गया यहाँ पे एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला जाता है, तो बोला क्या गया आप एक सिक्का उछालिए एक पासा उछालेंगे, तो आपको पता है एक पासे का मतलब क्या 1 से 6 तक संख्याएं होंगी और एक सिक्के का मतलब जाता है सर हेड आएगा टेल आएगा, जैसे मैंने सिक्का उछाला तो क्या पता सर हेड आ सकता है पासा फेंका तो 1 भी आ सकता है, सिक्का उछाला हेड आएगा पासा फेंका क्या पता 2 भी आ सकता है, यानी कि जितनी संभावनाएं होंगी
सब हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, तो 4 डालते हैं। सैंपल स्पेस को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले सिक्का उछाला, हेड आया, पासा फेंका तो एक आ सकता है, क्योंकि जहाँ जितनी संभावनाएं बन सकती है सब हम लिखते हैं, ठीक है। सिक्का उछाला हमने तो हेड ही आया, बात समझ रहे हैं, या फिर सिक्का हमने उछाला, इस तरह भी कर सकते हैं, सिक्का हमने उछाला तो यहाँ पे कितना आया, टेल आया, लेकिन पासा फेंका तो एक ही आया, ये भी हो सकता है। सिक्का उछाला तो हेड आया, पासा फेंका तो 2 आया, सिक्का उछाला, टेल आया, पासा फेंका तो 2, ये भी कंडीशन बन सकती है, यानी कि जितनी कंडीशन होती है सब हम लोग लिख लेते हैं। सिक्का यहाँ पे हम लोग उछालेंगे कितना आएगा, या तो आप इसके साथ हेड आएगा तो हेड के साथ कितना 3 आ जाएगा, सर टेल आएगा तो उसके साथ 3 आएगा, या तो फिर यहाँ पे हेड के साथ आपको यहाँ पे टेल के साथ कितना आएगा, टेल के साथ आपका 4 आ जाएगा, उसी तरह हेड के साथ यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा, टेल के साथ कितना आएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हेड के साथ कितना आएगा, 6 आ जाएगा, टेल के साथ कितना आ जाएगा, वो भी आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने बन सकती हैं। टोटल कितना बना देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 चीज़ें आपके सामने यहाँ बनी, ठीक है। ये मतलब कुल कंडीशन हो सकती है, आप एक बार सिक्का उछाल के देख लीजिए, एक बार पासा फेंक के देख लीजिए, इन्हीं में से कोई ना कोई चीज़ आएगी, इससे बाहर नहीं हो सकती, क्योंकि कुल संभावनाएं यही सब बन सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे आपकी जो एक घटना बोली गई थी वो क्या बोली गई थी, थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहाँ तो जो यहाँ बात बोली गई थी हमने उछाल के देख लिया, भैया इतनी इतनी बन सकती हैं। तो एक घटना जो क्या है, सिक्के पर चित्र प्रकट होता है, यानी कि ए बोला गया क्या, सिक्के पर चित्र, सिक्के पर चित्र मतलब हेड की बात कर रहा है। देखो हेड यहाँ पे आ रहा है, हेड यहाँ पे आ रहा है, हेड यहाँ पे आ रहा है, हेड यहाँ पे, हेड यहाँ पे, हेड यहाँ पे, यानी सिक्के पर हेड कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, फिर हेड यहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखिए, हेड तो है, ये तो है, ठीक है, ये चीज़ आ रही है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, एंड एच 5 हो जाएगा, एंड एच 6 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब बी के देखिए, बी कितना है, बी क्या बोला गया, बी बोला गया पासे पर 3 प्रकट होता है, यानी पासे पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो पासे पे देखो कहाँ 3 आ रहा है, देखो पासे पे यहाँ 3 आ रहा, पासे पे यहाँ 3 आ रहा, यानी कि ये हो जाएगा पासे पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगे। तो हमने ए और बी निकाल लिया, अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, जिसे हम कहते थे, हमने कहा एक पासे को फेंका, 1 आने की प्रायिकता बताइए, तो क्या करेंगे, 1 सर सीधा सीधा 1 आएगा, मतलब एक टाइम वो आ जाएगा, अपॉन टोटल, 1 आने की स्थिति क्या होती, एक ही तो होती, एक अनुकूल स्थिति ऊपर रखते थे, अपॉन क्या लिखते थे, अपॉन हम सर कुल संभावना, कुल संभावना क्या होती है सर, 1 से 6 तक संख्याएं होती थी, यानी कि 6 लिखते थे, 1/6 लिखते थे। याद रखिएगा जब हम सर पासा और आपका कॉइन मिक्स होने लगे तो उसकी प्रायिकता कैसे लिखते हैं वो ध्यान दीजिएगा। जैसे हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब पता है ना कैसे, यानी कि अनुकूल स्थिति अपॉन कुल संभावनाएं, वो भी निकालना है। लेकिन जैसे मैं इसका सिर्फ प्रायिकता पूछूं क्या होगा, हेड आने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/2 होती है, एक सिक्के को छालते हेड आने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/2, एक पासे को भी हमने फेंका था तो 1 आने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/6 होती है। तो इसकी टोटल प्रायिकता कितनी हो जाएगी, जैसे मैंने कहा यहाँ पे, जैसे हमने लिखा H1 लिखा, ठीक है, एक हमने सिक्का फेंका था, एक हमने पासा फेंका था, तो मैंने आपसे कहा था हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, आपको पता सर 1/2 होती है, और यहाँ पे टेल इस 1 आने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/6 ही तो होती है, क्योंकि एक पासा फेंकेंगे तो 1/6, एक पासा फेंका 2 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी, 3 आने की 1/6, इस तरह होती है, तो 1 आने कितना हो जाएगा, 1/6, यानी कि H1 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, H1 आने की जो प्रायिकता आपका 1/ कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। इसकी आप अलग निकालिएगा, इसकी आप अलग निकालिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके तब हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, ए में कितने लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सबकी प्रायिकता कितनी, इसकी हम निकालेंगे 1/12 आएगा, इसकी भी 1/12 आएगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/12 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए, तो ये चीज़ आपकी यहाँ बन जाएगी, पॉइंट क्लियर। अब देखिए यहाँ क्या निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भैया कैसे आएगा, बी में लोग कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि सर 2 इसके इसका निकालेंगे तो बटे में 12 ही तो आएगा, ये चीज़ यहाँ प्रॉपर बनेगी, क्लियर बात। ये सब पॉइंट आप समझते रहिएगा, बात समझ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है। अब क्या हमको सर स्वतंत्र के लिए हमको दिखाना है ये घटनाएं स्वतंत्र है कि नहीं, स्वतंत्र के लिए क्या होना चाहिए, स्वतंत्र के लिए आपने बताया सर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सर वो बराबर होनी चाहिए किसके, पीओ इंटू पीबी के। तो पीओ पीबी तो हमने निकाल लिया, हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले क्या निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं सर ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे आएगा सर, इन दोनों में कॉमन, जो कॉमन क्या देख रहा, देखो H3 यहाँ पे, H3 यहाँ पे, तो H3 तो कॉमन दिख रहा है, तो वो आ जाएगा। अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे देखो कितने, एक ही लोग हैं, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, अब प्रॉपर इसकी प्रायिकता 1/2, इसकी प्रायिकता 1/6, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1/12, तो 1 का मल्टीप्लाई 1/12 से 1/12 ही तो आएगा, तो ये भी आ सकता है। आपको इस तरह नहीं निकालना तो ध्यान दीजिए क्या यहाँ लिखते थे,
इसमें कितने लोग आए हैं, अनुकूल से 6 आई, 6 लिखा, यहाँ देखिए क्योंकि अपॉन कुल संभावना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो बटे 12 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ कितना है, 2 लोग हैं तो ऊपर 2 लिखा, और टोटल कुल संभावना कितनी, 12 थी, 12 आ गया। यहाँ देखिए कितना लोग, 1 लोग लिखा है, कुल संभावना कितनी थी, 12 था, तो 12 आ गया। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह समझेंगे तो बहुत चीज़ें आसान होंगी, क्योंकि आपके एग्जाम्पल जो है वो इन्हीं बेस पे आप करना पड़ेगा आपको। ठीक, बात समझ रहे, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जो आपको बेटर लगता है वो देख लीजिएगा। अब हमको क्या लिखना है, हमको बताना है कि भैया घटनाएं जो है वो स्वतंत्र हैं या नहीं है, वो हमको यहाँ पे बताना है। घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं या नहीं, तो घटनाएं स्वतंत्र होने के लिए क्या बताया था मैंने, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, क्या मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बराबर होना चाहिए। तो पहले हम निकालेंगे क्या, पहले हम निकालेंगे LHS निकालेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, 12 हो जाएगा। RHS यहाँ पर निकालेंगे, RHS मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाला जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है आपको, जब ए आप निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 6/12 भी तो आएगा, बाद में कट पीटे काटेंगे पीटेंगे, ठीक है, 6/12 यहाँ पे आ जाएगा, इनटू पी बी कितना दे रखा है, 2/12 दे रखा है, जब इसको ब्रेक किया जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो ऊपर यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए LHS आपका कितना है, 1/12 आ रहा है, RHS भी 1/12 आ रहा है, यानी कि मेरे सामने ये सर कंडीशन बन रही, क्या सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सर वो बराबर आ रहा है कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ रहा है, यानी कि ये चीज़ें आपके सामने यहाँ बन रही हैं। तो आप जब मैंने कहा जब इस तरह कंडीशन होती है तो आप कह सकते हैं कि घटनाएं कैसी हैं, घटनाएं आपकी ए ओ बी कैसी हैं, आपकी स्वतंत्र हैं। अभी जैसे ये बराबर ना होता तो घटनाएं क्या होती, घटनाएं आपकी स्वतंत्र ना होती, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, तो ये सब का निकालने के लिए आपको ये चीज़ें बहुत स्टार्टिंग से समझाया गया था, तो उसी का यूज करके आपको ये काम करना है, ठीक है। तो बहुत बेसिक है, ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, मैं चाहता तो आपको ये डायरेक्ट समझाता, ये इसको भी निकालने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप जब इस तरह की कहानी करेंगे अपने आप से तो चीज़ें बहुत आसान होंगी, यकीन मानिए बिल्कुल आसानी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस आप सैंपल स्पेस पर्टिकुलर, भले टाइम लग रहा है, 1 मिनट ज़्यादा लग रहा है, लगने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जो आप आंसर निकाल रहे हैं उसके अंदर से आवाज़ भी तो आ रही कि बेटा आपने सही निकाला है, बात समझ रहे हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होनी चाहिए कि आप करते जा रहे हैं क्वेश्चन, आपको पता ही नहीं कि आंसर सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं, ठीक है। जब आपको सब पता चलेगा कि हमने 10-12 जो क्वेश्चन किए हैं प्रॉपर वो करेक्ट हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे आने वाले जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहे होंगे उसमें भी आपको दिमाग लगने लगता है, ठीक है। तो सब चीजें बहुत होनी चाहिए। तो अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 नंबर क्या बोला गया, एक पासे पर 1, 2, 3 लाल रंग से और 4, 5, 6 हरे रंग से लिखे हैं, यानी कि कोई एक पासा है उस पर 1, 2, 3 जो नंबर लिखे हैं वो लाल रंग से लिखे हैं और जो 4, 5, 6 लिखे हैं वो हरे रंग से लिखे हैं। सिंपल सी बात, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस तो आपको पता है क्या बनेगा, एक पासे की बात हो रहा है सर, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो बनेगा, बस ये पता सर, ये आपका लाल रंग से, ये आपका हरे रंग से है, वो तो कहानी आगे हो जाएगी। अब यहाँ पे हमको ए घटना पता लगानी पड़ेगी। ए क्या बोला गया, ए बोला गया संख्या क्या है, सम है, यानी कि ए घटना जो बोली गई वो कैसे संख्या सम है। तो ध्यान से देखिए इसमें सम संख्या क्या है, सम संख्या आपकी है यहाँ पे 2 है 4 है और कितना है, 2, 4 और 6 है यहाँ पे। और आपका यहाँ पे जो बी दे रखा है, बी कैसे लिखा हुआ है, बी यहाँ लिखा संख्या लाल रंग से है, संख्या लाल रंग से कौन सी थी, ध्यान से देखिए, संख्या लाल रंग से ये तो थी 1, 2, 3, यहाँ पे संख्या लाल रंग से हो जाएगी 1, 2, 3 हो जाएगी, तो ये चीज हमने निकाल लिया। अब यहाँ क्या निकालते थे हम, ए इंटरसेक्शन बी निकालते थे, ध्यान से देखिए क्या ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में देखिए यहाँ से 2 कॉमन, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अब क्या निकालेंगे, अब भैया निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, बात समझ रहे हैं, क्या निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे। ए में कितने लोग हैं सर, 3 आए, कितने में से, 6 में से थे, 3/2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, काट पीट देंगे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। उसी तरह निकालेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, बी में कितने लोग हैं बच्चा, 3 लोग हैं, आए कितने में से थे, कोई स्कूल संभाल सर सैंपल स्पेस ही होता है यहाँ पे, काटेंगे पीटेंगे कितना आएगा ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जैसे निकालेंगे, यहाँ कितने लोग हैं, यहाँ पे सर 1 लोग हैं, आए कितने से थे, 6 लोगों में से, क्योंकि 1 लोग हैं आए ही सर, सब ये चीज़ यहाँ हो जाएगी, क्योंकि हम जो अपॉन रखते हैं वो जो सैंपल स्पेस होता है उसी को हम लोग लेते हैं यहाँ पे। अब हमको निकालना है क्या, पहले हमको LHS निकालना पड़ेगा, बात समझ रहे, तभी तो हम दिखाएंगे LHS में क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो उसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाली, कितनी आई, 1/6 निकाली। अब हम RHS निकाल के यहाँ चेक करेंगे, तो RHS यहाँ पे कितना दे रखा है, RHS जो आपको दे रखा है वो आपको है PA है इनटू PB है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्र घटनाएं के लिए तो यही तो यूज करते थे हम लोग।
तो यहाँ पी ए कितना दे रखा है, पी ए आपका दे रखा है 1/2, पी बी कितना दे रखा है वो भी 1/2, यहाँ कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए क्या एल एच एस और आर एच एस बराबर दिख रहा है, यानी कि सर एल एच एस और आर एच एस आपका यानी कि यहाँ पे कैसा है बराबर नहीं है। जब ये चीज़ बराबर नहीं है तो आप कह सकते हैं क्या कि घटना जो आपकी ए और बी है वो कैसी है, वो आपकी स्वतंत्र नहीं है। पॉइंट क्लियर, यानी कि घटना ए और बी कैसी है आपकी, वो स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा है कि मान लें ई तथा एफ दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ई दे रखा है 3/5, पी एफ दे रखा है 3/10 और पी ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है आपका 1/5। तो बोला गया क्या ई एफ एफ स्वतंत्र है कि नहीं है। स्वतंत्र के लिए क्या कंडीशन मैंने बताया था, स्वतंत्र के लिए मैंने आपको बताया था कि जब जो भी घटना होगी वो हम इसी तरह लिख लेंगे। यहाँ पे ई एफ का जिक्र है तो हमने ई एफ लिखा, यानी कि पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई इंटू पी एफ कि जब बराबर होगी तभी आप कह सकते हैं कि घटनाएं स्वतंत्र हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, तब हम यहाँ निकालते हैं पहले एल एच एस निकालते हैं। तो एल एच एस में क्या है भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना दे रखा है 1/5 दे रखा है, वो हमने निकाल लिया। अब आर एच एस देखिए, आर एच एस में कितना है, आर एच एस की हम जब बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की हम बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपका 3/5 है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना दे रखा है यहाँ पे 3/10 है, कटेगा है नहीं तो ऊपर 9 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 50। तो ध्यान से देखिए यहाँ 1/5 है, यहाँ पे 9/50 है, तो क्या हो सकता है भैया एल एच एस जो है वो आर एच एस के बराबर है, नहीं है। जब एल एच एस आर एच एस के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वो बराबर नहीं होगा किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के। जब ये बराबर नहीं होगा तो हम कह सकते हैं घटनाएं कैसी घटनाएं आपकी ई और एफ आपकी स्वतंत्र नहीं है। तो इसी तरह क्वेश्चन आपके होंगे, बहुत आसानी से हम लोग करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल हम लोग पढ़ रहे हैं, जितना कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझा रहा हूँ देन आपको उसके ऊपर क्वेश्चन करा रहा हूँ। बस याद रखिएगा यही सब क्वेश्चन आपको एक एक नंबर में वहाँ मिलते हैं, आप भी देख रहे हैं क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन तो एक ही नंबर में आएगा, 8 नंबर में दे नहीं देगा, बात समझ रहे हैं। तो इसी तरह जो चीज़ आपको मैं बताई जा रही है मैं बता रहा हूँ, सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप अनसॉल्व उठा के देख सकते हैं, जितनी चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग बताई सब कहीं ना कहीं घूम घुमा के वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। तो आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत है देना आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट करिएगा। तो इस वीडियो संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।